प्रिय विद्यार्थियों, संख्या पद्धति के कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जैसे आगे एक बिंदु आता है संख्या लेखन। नोटेशन देखो, देखते हैं संख्या लेखन क्या होता है। शब्दों में लिखी या बोली गई किसी संख्या को अंकों में प्रकट करने की प्रक्रिया संख्या लेखन कहलाती है। शब्दों में लिखी या बोली गई शब्दों में लिखी या बोली गई संख्या को अंकों में प्रकट करने की प्रक्रिया संख्या लेखन कहलाती है। देखो दोस्तों, शब्दों में लिखी या बोली गई संख्या को अंकों में प्रकट करने की प्रक्रिया संख्या लेखन कहलाती है। जैसे कोई संख्या बोली गई है 512, तो इसको अंकों में लिखना, जैसे 512, तो यह जो लिखने की प्रक्रिया है यह संख्या लेखन कहलाती है। जैसे कोई संख्या लिखी हमने 725, तो यह जो अंकों के द्वारा जो संख्या लिखी गई है यह जो प्रक्रिया है वही संख्या लेखन कहलाती है। संख्या लेखन की तीन पद्धतियां हैं। संख्या लेखन की संख्या लेखन की तीन पद्धतियां हैं। नंबर एक, भारतीय संख्या पद्धति। दोस्तों, संख्या लेखन की तीन पद्धतियां हैं। नंबर एक, भारतीय संख्या पद्धति। नंबर दो, अंग्रेजी या अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तीसरी है हमारी रोमन संख्या पद्धति। दोस्तों, सबसे पहले हमारी भारतीय संख्या पद्धति, नंबर दो अंग्रेजी या अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, नंबर तीन रोमन संख्या पद्धति। आगे इनके बारे में चर्चा करेंगे। आपने लिख ली वो तो मिटाएं। संख्या लेखन में हमारी सबसे पहले ही है संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति को देखते हैं।
भारतीय संख्या पद्धति, इस संख्या पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि का प्रयोग किया जाता है एवं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि का प्रयोग किया जाता है तथा हजार कोमा लाख कोमा करोड़ आदि को प्रदर्शित करने के लिए क्रमशः 3 अंकों के बाद अल्पविराम एवं 5 अंकों के बाद अल्पविराम एवं 7 अंकों के बाद अल्पविराम लगाए जाते हैं। जैसे इसको लिखें, भारतीय संख्या पद्धति, इस संख्या पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख आदि का प्रयोग किया जाता है इस संख्या पद्धति में हजार कोमा चलो छोड़ो हजार को प्रदर्शित करने के लिए तीन अंकों के बाद पहला अल्पविराम लगाया जाता है दोस्तों। इस संख्या पद्धति में हजार को प्रदर्शित करने के लिए 3 अंकों के बाद पहला अल्पविराम लगाया जाता है एवं लाख को प्रदर्शित करने के लिए 5 अंकों के बाद दूसरा अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तथा करोड़ को प्रदर्शित करने के लिए क्रमशः 7 अंकों के बाद तीसरे अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है
आगे जैसे देखते हैं, जैसे पहले इसको लिखो उसके बाद में आगे देखते हैं। जैसे 51,575, यहाँ 51,000 को प्रदर्शित करने के लिए इकाई की ओर से गिनते हैं, इकाई दाई सैकड़ा 1, 2, 3 अंकों के बाद दशमलव का चिन्ह, दशमलव नहीं सॉरी कोमा अल्पविराम का चिन्ह लगाया जाता है। हिंदी में इसको लिखें तो इक्यावन हजार या कोमा आएगा 575 51,575। जैसे आगे और देखें, सत्ताईस लाख 32,343। यदि इसको हिंदी में लिखें तो सत्ताईस लाख 32,000 343 यहाँ देखो, पहला अल्पविराम 3 अंकों के बाद, दूसरा अल्पविराम 5 अंकों के बाद लगाया गया है, जो कि पहला अल्पविराम 1,000 को प्रदर्शित करता है एवं दूसरा अल्पविराम लाख को प्रदर्शित करता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम आगे 44 जोड़ दें तो यदि यह संख्या बनेगी, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यह संख्या बनेगी 44,27,32,343। तो यहाँ करोड़ को प्रदर्शित करने के लिए सीधे हाथ से सातवें स्थान पर अल्पविराम का चिन्ह लगाया जाता है। देखो तो यहाँ इसको हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ 44,00,000 ऐसे लिख के ऐसे अल्पविराम लगाना पड़ेगा। आगे देखें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार आदि में संबंधों को देखते हैं, क्या क्या संबंध होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, एवं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ आदि में कितने कितने शून्य होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे दहाई इकाई में कोई या तो शून्य होगा नहीं, शून्य होगा तो वो खुद के स्थान पर शून्य ही मान दिखाएगा। इकाई में या तो कोई शून्य 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक कोई सा भी अंक हो सकता है, एवं दहाई के स्थान पर देखें तो एक दहाई बराबर 10 इकाई होती हैं, एवं एक सैकड़ा बराबर 10 दहाई होती हैं, एक सैकड़ा बराबर 10 दहाई होती हैं,
एवं 100 इकाई होती हैं। ठीक इसी प्रकार 1000 बराबर 10 सैकड़ा होते हैं एवं 100 दहाई होती हैं। एवं 1000 इकाई होती हैं। ठीक इसी प्रकार देखें 1,00,000 बराबर 100,000 होते हैं। 1,00,000 बराबर 100,000 होते हैं। एक हजार बराबर सॉरी 100 सैकड़ा न होकर ये 10 सैकड़ा होते हैं। कितने? 10। 1,000 बराबर 10 सैकड़ा होते हैं जो 100 दहाई के बराबर होते हैं एवं 1,000 इकाई के बराबर होते हैं। सॉरी ये गलती हो गई थी, इसको देखना। ये 1,000 बराबर 10 सैकड़ा होते हैं, यहाँ 1,00,000 बराबर 100,000 होते हैं। 1,00,000 बराबर 100,000। ठीक इसी प्रकार 1,00,00,000 बराबर 1,00,00,000 बराबर 100,00,000 होते हैं। 1,00,00,000 बराबर 100,00,000 होते हैं। 1,00,00,000 बराबर 100,00,000 होते हैं। इसको लिखो, जैसे इसमें देखें दहाई, एक दहाई बराबर 10 इकाई होती है, एक सैकड़ा बराबर 10 दहाई, या 100 इकाई होती है, 1,000 बराबर 10 सैकड़ा या 100 दहाई होती है, 1,00,000 बराबर 100,000 होते हैं, 1,00,00,000 बराबर 100,00,000 होते हैं। अब देखें दहाई में कितनी शून्य आती हैं। जैसे दहाई में एक शून्य आता है, दहाई में एक शून्य आता है, सैकड़ा में दो शून्य आते हैं, हजार में तीन शून्य आते हैं, लाख में पांच शून्य आते हैं, करोड़ में 7 शून्य आते हैं, अरब में 9 शून्य आते हैं। दहाई में एक शून्य आता है, सैकड़ा में दो शून्य आते हैं, हजार में तीन शून्य एवं लाख में पांच शून्य, करोड़ में 7 शून्य, जबकि अरब में 9 शून्य आते हैं। आगे देखें, इसको मिटाएं। देखो इस संख्या पद्धति में से, भारतीय संख्या पद्धति में से एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 1,00,00,000 के बराबर है। क्वेश्चन है 1,00,00,000 के बराबर है। क्वेश्चन एक करोड़ के बराबर है। 1,00,00,000 के क्या बराबर है? 100,00,000। दूसरा है 1,000,00,000। तीसरा लिख रहा है 10,00,000। चौथा लिख रहा है 100,000। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताओ तो इसका आंसर क्या आएगा?
एक करोड़ के बराबर है। 100 लाख, 1000 लाख, 10 लाख, 100 हजार। तो मैंने अभी बताया था कि एक करोड़ के बराबर 100 लाख होता है। मैंने इधर लिखाया था एक करोड़ बराबर 100 लाख, 1 लाख बराबर 100 हजार, इधर लिखा था 1000 बराबर 10 सैकड़ा। जैसे मैंने इधर लगाया था तो 1 लाख, यहां पूछा है इसने 1 करोड़ बराबर कितना होता है 100 लाख, 1 करोड़ बराबर कितना होता है 100 लाख। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और आया है यहां से। दस हजार क्वेश्चन है। 10000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई बराबर है 10000। 10 इकाई प्लस 10 दहाई बराबर है, ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन ए 10110, दूसरा दे रखा है ऑप्शन बी 11110, 11010, 11110 नहीं 11010। ऑप्शन सी दे रखा है 10011। ऑप्शन डी दे रखा है 1 लाख 1010। देखो हमें बताना है 10000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई बराबर है। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो पहले दे रखा है इसने 10000, लिखते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। हमने कहा था 10000 के लिए 3 जीरो रखते हैं, तो देखो 10 तो ये हो गया, 1000 के लिए 3 जीरो रख दी, 10000 हो गया ये। 10 इकाई अपने एक ही अंक पे आती है, तो देखो इकाई यहाँ आएगी तो यहाँ 10 ऐसे लिखेंगे 10 इकाई। इसने कहा 10 दहाई, दहाई के लिए 1 जीरो आ गया, साइड में 10 रख देंगे। इसको यदि हम ऐड करें तो ये आएगा 0 का 0, 1 और ये 1 और ये 0 और ये 1। हमारा ये आंसर कहाँ मिलता है, देखो हमारा ये आंसर ऑप्शन ए में मिलता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। आगे एक क्वेश्चन और आया है एग्जाम में। पांच लाख एक क्वेश्चन और है। 5 लाख 2 दहाई 5 लाख प्लस 2 दहाई प्लस 7000 प्लस 7000 प्लस 5 सैकड़ा बराबर है 1 दे रखा है ऑप्शन ए दे रखा है ऑप्शन बी दे रखा है ऑप्शन सी दे रखा है।
ऑप्शन डी दे रखा है। देखो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है इसका आंसर 5 लाख प्लस 2000 प्लस 7000 प्लस 5 सैकड़ा बराबर क्या आएगा। देखो मैंने बताया था 5 लाख, 5 लाख के लिए हमें कितनी जीरो लगानी है, 5 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, ये हमारा 5 लाख को प्रदर्शित करेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख। दूसरा दो दहाई, दहाई के लिए कितनी जीरो लगानी थी, 1, 2 का मतलब 2, 2 दहाई, हमने एक बताया था 7,000, हजार के लिए कितनी जीरो, 3 जीरो, 1, 2, 3 जीरो, साइड में 7। हमने बताया था 5 सैकड़ा, सैकड़ा के लिए कितनी जीरो बताई थी, 2 जीरो, 1, 2 जीरो, आगे क्या लिखना है, 5 सैकड़ा, तो 5, इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो जीरो की जीरो, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है और यहाँ 5 आ रहा है। इसको देखें तो ये हो गया 5,07,520। हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा है, 5,07,520, अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए, इसको नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आया है एग्जाम में, देखो क्वेश्चन है, यदि 112 इकाई, यदि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 है, 11,012 प्लस रिक्त स्थान दहाई है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करो, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन में दे रखा है 111, बी ऑप्शन में दे रखा है 112, सी ऑप्शन में दे रखा है 101, डी ऑप्शन में दे रखा है 110। देखो हम इसको हल करके देखते हैं, मैंने बताया था इकाई का मतलब एक भी जीरो नहीं होती, या कोई अंक होता है तो वो अंक दिया होता है वो अंक होगा, या कोई जीरो नहीं होती, तो 112 इकाई का मतलब 112 ही हो जाएगा, प्लस 12,000, हजार का मतलब बताया था मैंने 3 जीरो, तो 12 की 12, 1, 2, 3 जीरो ऐड कर दी, इक्वल ये दे रखा है 11,012 प्लस रिक्त स्थान दहाई का मतलब मैंने बताया था 1 जीरो, अभी इसको नहीं लिखेंगे लेकिन केवल दहाई लिख लो यहाँ। देखो इसको ऐड करते हैं तो ये हो गया 12,112 इक्वल ये हो गया 11,012 प्लस दहाई। देखो इसको जब इधर लाएंगे दूसरी साइड में तो ये 12,111 में से 11,012 घट जाएगा, 12,112 में से 11,012 घट जाएगा, घटाने पर क्या आएगा, 0,0,1, यहाँ से 1, ठीक 1100 बचेगा। देखो इसको 1100 लिखें यहाँ पे,
1100 बराबर खाली जगह दहाई। मैंने बताया था जब दोनों की तुलना करेंगे दहाई, इधर दहाई का मतलब होता है 10, तो यहाँ खाली स्थान पर देखें यदि दहाई के स्थान पर 10 मान है, देखो दहाई की तुलना दहाई से करें और यहाँ खाली जगह की तुलना शेष वाले पद से करें तो रिक्त स्थान बराबर आएगा 110 बराबर आएगा जो रिक्त स्थान है ये, अर्थात हमारा आंसर प्रश्नानुसार एक आंसर होगा 110। यहां दे रखा है 110 आंसर कौन से में, डी में, तो हमारा ये वाला डी आंसर हो जाएगा। दाई का मतलब 10 बताया था, 10 ऐड होता है, 10 हट जाएगी दाई से, तो यहां तुलना करेंगे तो 110 बराबर आ जाएगा रिक्त स्थान, रिक्त स्थान पर ही पूछ रहा है तो रिक्त स्थान पर कितना आएगा 110। एक क्वेश्चन और है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा 11,000 ग्यारह संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन सा 11,111 का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11,111 का प्रतिनिधित्व करती है। यह क्वेश्चन हमने YouTube पर भी अपलोड किया हुआ है, उसका आंसर भी अभी बता देते हैं क्या आएगा। देखो सबसे पहले ये कह रहा है 11,000, तो हमको 11,000, दूसरा कह रहा है ये 1100, तो 1100, तीसरा कह रहा है 11, इनको ऐड करें तो 1 1 1 1 और 1 2 1। देखो हमारा ये वाला ऑप्शन कौन सा आ रहा है, हमारा ये ऑप्शन मिल रहा है बी, कौन सा है बी, अतः हमारा आंसर हो जाएगा बी, अर्थात निम्नलिखित में से 12,111 11,111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, हमारा सही आंसर होगा 12,111। ये क्वेश्चन YouTube पर भी अपलोड है, उसको देख लें, उसका आंसर 12,111 होगा।
आगे देखते हैं अंग्रेजी या अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। हमने अभी भारतीय संख्या पद्धति के बारे में जानकारी ली, इससे आगे दूसरी देखेंगे अंग्रेजी या अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंग्रेजी या अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में इस संख्या पद्धति में इकाई दाई सैकड़ा हजार मिलियन विलियन ट्रिलियन आदि संकेतों का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी या अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में इकाई दहाई सैकड़ा हजार मिलियन विलियन ट्रिलियन आदि संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इसमें इस संख्या पद्धति में इस संख्या पद्धति में पहला अल्पविराम तीन अंकों के बाद हजार को दर्शाता है। इस संख्या पद्धति में पहला अल्पविराम तीन अंकों के बाद हजार को दर्शाता है तथा दूसरा अल्पविराम छह अंकों के बाद मिलियन को दर्शाता है एवं तीसरा अल्पविराम नौ अंकों के बाद विलियन को दर्शाता है एवं चौथा अल्पविराम बारह अंकों के बाद ट्रिलियन को दर्शाता है। इस संख्या पद्धति में पहला अल्पविराम तीन अंकों के बाद हजार को दर्शाता है एवं कोमा दूसरा अल्पविराम छह अंकों के बाद मिलियन को दर्शाता है। दूसरा अल्पविराम छह अंकों के बाद मिलियन को दर्शाता है कोमा तीसरा अल्पविराम नौ अंकों के बाद विलियन को दर्शाता है। तथा चौथा अल्पविराम बारह अंकों के बाद ट्रिलियन को दर्शाता है।
नोट करो इसको। देखो संख्याओं में शून्यों की संख्या देखो, संख्याओं में शून्यों की संख्या। एक मिलियन बराबर, एक मिलियन में शून्यों की संख्या बराबर 6 शून्य, एक बिलियन में शून्यों की संख्या 9 शून्य, एक ट्रिलियन में शून्यों की संख्या 12 शून्य, 1000 में मैंने बताई दिया शून्यों की संख्या 3। आगे देखते हैं रोमन संख्या पद्धति, 7 के साथ नोट करते जाना। रोमन संख्या पद्धति आगे देखते हैं, रोमन संख्या पद्धति, रोम अंकों के, रोमन संख्या पद्धति रोम अंकों के प्राचीन अंकों को जोड़कर प्रयुक्त की जाती है। रोमन संख्या पद्धति में प्राचीन रोम भाषा के संकेतों को जो निम्न प्रकार हैं, का प्रयोग किया जाता है। जैसे वन के लिए आई संकेत, या ये जो संकेत बन रहा है इस प्रकार के संकेत का प्रयोग करते हैं। 5 के लिए इस प्रकार के संकेत का प्रयोग करते हैं। 10 के लिए इस प्रकार के संकेत का प्रयोग करते हैं। 50 के लिए एल का प्रयोग करते हैं। 100 के लिए सी का प्रयोग करते हैं। 500 के लिए, 1 के लिए आई का प्रयोग करते हैं। 5 के लिए वी का प्रयोग करते हैं। 10 के लिए एक्स का प्रयोग करते हैं। 50 के लिए एल का प्रयोग करते हैं। 100 के लिए सी का प्रयोग करते हैं। 500 के लिए डी का प्रयोग करते हैं। 1000 के लिए, 1000 के लिए कैपिटल एम का प्रयोग करते हैं। ये जो संकेत है फर्स्ट, ये वी जिसको 5 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये एक्स, ये एल, ये सी, ये कैपिटल डी, ये कैपिटल एम। कैपिटल एम 100 को प्रदर्शित करता है, 1000 1000 को प्रदर्शित करता है। कैपिटल डी 500 को प्रदर्शित करता है। सी 100 को प्रदर्शित करता है। एल
50 को प्रदर्शित करता है, x 10 को प्रदर्शित करता है, और v 5 को प्रदर्शित करता है, i 1 को प्रदर्शित करता है। आगे संख्या पद्धति में जब अंकों को लिखने का जो तरीका है उसको देखते हैं। रोमन संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखने के लिए कुछ विशेष नियम दिए गए हैं, उन नियमों के आधार पर ही हम रोमन संख्या पद्धति के संख्याओं को लिख सकते हैं। कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष बिंदु हैं, उन्हें नोट पॉइंट के रूप में लिखते हैं। जैसे आई, ये फर्स्ट आई नहीं बोलेंगे, इसको फर्स्ट बोलेंगे, फर्स्ट एक, इसको फर्स्ट बोल दो या एक बोल दो। दस, ये सौ और एक हजार एम, इसको आई बोल सक बोलो, इसको एक्स सी और एम, ये जो संकेत हैं एक के लिए आई, दस के लिए एक्स, सौ के लिए सी और एक हजार के लिए एम, इन संकेतों को किसी संख्या को लिखते समय अधिकतम तीन बार दोहराया जा सकता है। आई जो एक को प्रदर्शित करता है, एक्स जो दस को प्रदर्शित करता है, सी जो सौ को प्रदर्शित करता है, एम जो एक हजार को प्रदर्शित करता है, इन संकेतों को किसी संख्या को लिखते समय अधिकतम तीन बार दोहराया जा सकता है। जबकि V जो 5 को प्रदर्शित करता है, L जो 50 को प्रदर्शित करता है, L जो 50 को प्रदर्शित करता है, कैपिटल D जो 500 को प्रदर्शित करता है, को दोहराया नहीं जाता। ऐसे नहीं लिखें तो दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। जैसे V जो 5 को प्रदर्शित करता है, L जो 50 को प्रदर्शित करता है, कैपिटल D जो 500 को प्रदर्शित करता है, को किसी एक संख्या को लिखते समय एक बार ही प्रयोग में लेते हैं। अर्थात V, L और D दोहराए नहीं जाते। आगे दूसरा पॉइंट देखें, बिंदु देखें। यदि बड़ी संख्या पहले लिखी हो या तथा छोटी संख्या
या संकेत बाद में दाई ओर लिखा हो तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या में जोड़ देते हैं। यदि बड़ी संख्या पहले लिखी हो तथा छोटी संख्या या संकेत बाद में दाई ओर लिखा हो तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या में जोड़ देते हैं। जैसे ये एल संकेत जो कि 50 को प्रदर्शित करता है एवं एक्स संकेत जो कि 10 को प्रदर्शित करता है, तो इसको यदि हम अपने संकेतों के रूप में लिखें, अंकों के रूप में, संख्या के रूप में लिखें, तो यह 50+10 हो जाएगा। अर्थात यह जो एक्स एल संकेत है वो 60 को प्रदर्शित करेगा। यदि देखा जाए तो कैपिटल डी जो संकेत है इसको लिखा जाए और इसके दाईं ओर यदि हम कोई छोटा संकेत जैसे कि सी लिखते हैं तो हम देखेंगे कि कैपिटल डी है जो 500 को प्रदर्शित करता है एवं कैपिटल सी है जो 100 को प्रदर्शित करता है और दाईं ओर लिखा हुआ है। कैपिटल सी 500 से छोटा होने के कारण एवं दाईं ओर लिखा होने के कारण यह 500 में जुड़ जाएगा और हमारी कैपिटल डी और सी जो यह संकेत बनेगा वह 600 को प्रदर्शित करेगा, 600 को प्रदर्शित करेगा। आगे इसी प्रकार कोई संख्या देखें, जैसे हमारी ये 10 है, यदि इसके दाईं ओर में हम एक संकेत लिख देते हैं ऐसे, तो ये जो संकेत है कैपिटल, ये जो एक्स है ये बड़ी संख्या 10 है और यहाँ इसके दाईं ओर छोटी संख्या 1 ऐड हुआ है, यह टोटल 11 को प्रदर्शित करती है। ये जो संख्या है एक्स और ये 1, ये 11 को प्रदर्शित करेगी। आगे एक नियम और देखते हैं, ये समझ में आ गया हो तो नोट कर लो। आगे एक बिंदु और देखते हैं इसी में, आगे पॉइंट और है, यदि बड़ी संख्या बाद में लिखी गई हो एवं छोटी संख्या पहले लिखी गई हो, पहले दाईं ओर लिखी गई हो, सॉरी, एवं छोटी संख्या पहले बाईं ओर लिखी गई हो बाईं ओर लिखी गई हो तो दाईं ओर स्थित बड़े संकेत अंक में से बाईं ओर लिखा
छोटा संकेत अंक को घटा देते हैं यदि बड़ी संख्या बाद में लिखी गई हो एवं छोटी संख्या पहले बाईं ओर लिखी गई हो तो दाईं ओर स्थित बड़े संकेत अंक में से बाईं ओर लिखी छोटी संकेत अंक को घटा देते हैं। जैसे देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर ये दस का अंक लिखा हुआ है, इसके बाईं ओर हम एक का अंक लिख दें तो हमारी जब संख्या प्रदर्शित करेगी ये दस में से बड़े अंक में से जो कि दाईं ओर लिखा हुआ है इसमें से एक अंक कम कर देगा जो कि बाईं ओर लिखा हुआ है। हमारा यह जो संकेत बताएगा, ये जो संकेत है वो नौ को प्रदर्शित करेगा। ठीक इसी प्रकार कोई दूसरी संख्या देखें, जैसे ये कोई संकेत है, इस संकेत में देखें तो L जो कि 50 को प्रदर्शित करता है एवं बाईं ओर लिखा X जो कि 10 को प्रदर्शित करता है। अब यह X जो 10 को प्रदर्शित करता है ये बाईं ओर लिखा हुआ है, अतः यह 50 में से घट जाएगा क्योंकि यह छोटा भी है और बाईं ओर भी लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा टोटल X और L मिलाएगा, मिलके जो अंक या संकेत या संख्या जो बनेगी वह हमारी 40 को प्रदर्शित करेगी। ये जो अंक है वो 40 को प्रदर्शित करेगा। आगे कोई और एग्जांपल देखें, जैसे ये हमारा 50 का अंक है, ये हमारा 10 का अंक है, ये हमारे एक एक के अंक हैं, तो यदि इनको हम ऐड करें तो देखो सबसे दाईं ओर में सबसे बड़ी संख्या लिखी हुई है। ये जो संख्या है 50 को प्रदर्शित करती है, इसके बाईं ओर में 10 लिखा हुआ है जो कि छोटा संकेत है, तो ये 10 घट जाएगा। इसके भी बाईं ओर में ध्यान रखना, दाईं ओर नहीं बाईं ओर में 1 लिखा हुआ है जो कि छोटा संकेत है, ये भी घट जाएगा। इसके भी बाईं ओर में 1 लिखा हुआ है, ये भी घट जाएगा। यदि हम इसको हल करके देखें तो ये 50 में से 10 गया तो 40 में से 2 गया तो 38 हमारा आंसर आएगा। तो हमारी ये जो संख्या है, ये जो संकेत है, ये 38 को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हम कुछ और संख्या लिखेंगे और हमारा यह संख्या पद्धति वाला टॉपिक यहीं समाप्त होगा। कुछ संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ आगे जैसे कि गुणनखंड हैं उन टॉपिकों को आगे देखेंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं, आगे अगली वीडियो में देखेंगे।